गाइज, मैं इतना खुशी से बोल रहा हूँ, मेरे को एक डायमंड अर्न करने का एप्लीकेशन मिल गया है। आपको ये बताऊंगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। ओके, अपडेट के बाद तासुआ को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया गया है और वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तासुआ कैटर के अंदर एक पावर जनरेट हो गया, जिसे अभी क्लास स्क्वाड में ज्यादातर प्लेयर यूज कर रहे हैं। मैं भी तासुआ कैटर को यूज कर रहा हूँ, तो आज मैं बताऊंगा तासुआ कैटर का ओल्ड एबिलिटी से न्यू वाला एबिलिटी क्यों बेस्ट है, किस लिए बेस्ट है, एंड तासुआ कैटर का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एडवांटेजेस और थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले एबिलिटी अच्छे से जान लो, तभी इसका स्किल को प्रॉपर यूज कर सकते हो। किसी भी कैरेक्टर का एबिलिटी नहीं पता है, देन ट्रिक जान के कुछ फायदा नहीं है। तो पहले स्किल एबिलिटी अच्छे से जान लो, देन ट्रिक समझना इजी होगा। ओके, तो ये है तासुआ का न्यू एबिलिटी और ये था पुराना ओल्ड एबिलिटी। स्किल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस जो नंबर है वो चेंज हुआ है। तो तुम देख सकते हो बिफोर अपडेट स्किल क्या था और आफ्टर अपडेट अभी स्किल क्या है, बस नंबर में ही हेरा फेरी हुआ है। तो बिफोर अपडेट तासुआ का एबिलिटी को दो बार यूज कर पा रहे थे और एक बार यूज करने के बाद 5 सेकंड वेट करना पड़ता था दोबारा यूज करने के लिए, और जो कूलडाउन टाइमिंग था बिफोर अपडेट वो 60 सेकंड का था। बट आफ्टर अपडेट एबिलिटी को इंप्रूव किया गया है, तुम अभी 2 बार नहीं 3 बार स्किल को यूज कर सकते हो, वो भी 5 सेकंड के नहीं, 1 सेकंड के गैप में 3 बार लगातार स्किल को यूज कर सकते हो। और कूलडाउन टाइमिंग भी कम हो गया है, 60 सेकंड से 45 सेकंड का हो गया है। मींस आफ्टर अपडेट तासुआ बहुत खतरनाक बन चुका है। एबिलिटी का तो पता चल गया, अब कुछ ट्रिक बताता हूँ। नंबर 1, तासुआ कैरेक्टर 0.3 सेकंड के लिए स्प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज करता है, बहुत फास्ट स्पीड देता है, और इसका एबिलिटी को तुम लगातार 3 बार यूज करके एक जगह से दूसरा जगह एक चुटकी में शिफ्ट हो सकते हो, ओपोनेंट एनिमी को भनक तक भी नहीं लगेगा। देन ट्रिक नंबर 2, तासुआ को यूज करके 1 सेकंड में पोजीशन को चेंज कर सकते हो, एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा। देन ट्रिक नंबर 3, अगर तासुआ के साथ उकोंग एंड ओरियन कैरेक्टर को यूज करते हो, देन बूज बन के फास्ट स्प्रिंट कर सकते हो और ओरियन का एबिलिटी को भी यूज करके फास्ट स्प्रिंट कर सकते हो। ओनली क्लास स्क्वाड में जो डबल एक्टिव स्किल मोड है उसी में यूज कर सकते हो। देन ट्रिक नंबर 4, बहुत बार क्या होता है, अचानक ग्रेनेड आ जाता है और हम जल्दी से भाग नहीं पाते हैं, जिसके लिए नॉक हो जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत डैमेज लग जाता है, या कभी कभार अचानक लैंडमाइन आ जाता है उसमें भी डैमेज लग जाता है। तो तुम तासुआ का स्किल को यूज करके फास्ट स्प्रिंट कर सकते हो और ग्रेनेड एंड लैंडमाइन से आराम से बच सकते हो। देन ट्रिक नंबर 5, एक रसर प्लेयर को अपने कॉम्बिनेशन में तासुआ का स्किल जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम एनिमी के ऊपर सरप्राइज रस कर सकते हो, एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके सामने कब आ गए, और जब पता चलेगा तब तक तुम उसको फिनिश कर दोगे। देन ट्रिक नंबर 6, एक कैरेक्टर है हुमर जो ड्रोन क्रिएट करता है, और वो ड्रोन किसी भी कैरेक्टर के ऊपर जाके ब्लास्ट होने से 3 मीटर के रेडियस के अंदर तुम्हारा मूवमेंट स्पीड एंड रेट ऑफ फायर रिड्यूस हो जाएगा, तो उस 3 मीटर का रेडियस से तुम आराम से बाहर निकल सकते हो तासुआ कैरेक्टर के मदद से। मतलब अभी तासुआ कैरेक्टर के ऊपर हुमर का स्किल वर्क नहीं करेगा। ओके, देन ट्रिक नंबर 7, इन केस तुम्हें ग्लूअल के कवर में हो या तुम्हारे पास ग्लूअल नहीं है और तुम्हें एक हार्ड कवर में जाना है, देन तासुआ का स्किल को यूज करके तुम जल्दी से कवर में जा सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये था तासुआ कैरेक्टर का कुछ एडवांटेजेस, ट्रिक्स, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तासुआ कैरेक्टर का। जैसे कि नंबर 1, स्टैंड पोजीशन में अगर तुम तासुआ का एबिलिटी को यूज करते हो देन एबिलिटी वर्क नहीं करेगा, स्प्रिंट करने के वक्त ही तुम तासुआ का स्किल को यूज कर सकते हो। ओके, देन सेकंड डिसएडवांटेज है, तुम्हें पता होगा बाइक और कार को ज्यादा स्पीड में चलाने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर एक्सीडेंट। ठीक उसी तरह तासुआ का एबिलिटी को यूज करने से क्या होगा, ज्यादा स्पीड के चलते कैरेक्टर कंट्रोल में नहीं होगा, उसका फायदा एनिमी उठा सकता है और तुम्हें इजी नॉक कर देगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, बट अगर तुम रेगुलर तासुआ को यूज करोगे देन टेंशन नहीं लेने का, आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है तासुआ कैरेक्टर का, देन कमेंट करो। वीडियो अगर अच्छा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। अगर तुम्हें क्लास स्क्वाड के लिए बेस्ट डबल एक्टिव स्किल कॉम्बो चाहिए देन लेफ्ट साइड वीडियो को क्लिक करो, और अगर तुम्हें बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए देन राइट साइड वीडियो को क्लिक करो। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।